हेलो फ्रेंड नमस्कार वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ फ्रेंड और अभी अपना टाइम हो रहा है दोस्तों बारह बजने के लिए दस मिनट बचा हुआ है तो मैं अभी ड्यूटी जाऊँगा और किचन में आप लोग से मिलूँगा और जो भी ऑर्डर आज बनेगा मैं आप लोग को दिखाऊँगा मैं कल आप लोग को वीडियो अपना किचन का नहीं दिखा पाया था जो आज मैं जाऊँगा और आप लोग को जो भी ऑर्डर बनेगा आप लोग को दिखाऊँगा ठीक है फ्रेंड तो वीडियो में बने रहे फ्रेंड मैं जा रहा हूँ ड्यूटी और आप लोग से किचन में मिलता हूँ तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बाजू में जो बैलकन घंटी है उसको भी और मैं प्रेस करना ठीक है फ्रेंड तो मैं ड्यूटी जा रहा हूँ फ्रेंड और आप लोग को किचन में मिलता हूँ <ग्ण> तो मैं फ्रेंड आ गया हूँ ड्यूटी और अभी अपना एक ऑर्डर में बनाना चाहता हूँ जो अपना खुद खाने के लिए बनाऊँगा वो है अपना गोभी पालक जो बनाऊँगा मैं रेसिपी के साथ और ऑर्डर में नहीं जाएगा वो तो मैं खुद खाने के लिए बनाऊँगा खाने के साथ मैं खाऊँगा तो गोभी पालक मैं बनाऊँगा और गोभी पालक के लिए मेरे पास सब सामान रेडी है थोड़ा लहसुन है टमाटो कटिंग हुआ है और बारिक प्याज थोड़ा सा और ये हरी मिर्ची थोड़ा सा कटिंग है और पहले से मैं गोभी को कटिंग करके रखा हूँ जो एक पर्सन के लिए है ये और इसमें मैं मैगनेट करूँगा कुछ मसाले और ये थोड़ा मैं डाला नमक थोड़ा सा मिर्च पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग की, थोड़ा छोले मसाला और इसमें मैं डालूँगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मैगनेट करूँगा उसको और हल्का सा इसमें मैं पानी छिड़कूँगा जो मैगनेट हो जाएगा पूरा मसाला पानी थोड़ा डाला हूँ उसमें और अभी मैं डालूँगा थोड़ा सा हरा रोड़ कर्नफ्लावर थोड़ा सा मिक्स करूँगा उसमें जो मसाला पूरा चिपक जाएगा उसमें देख सकते हो थोड़ा सा डालना है ज़्यादा नहीं डालना ज़्यादा डालने से कड़क हो सकता है तो मसाला के लिए मैं मैगनेट चिपकने के लिए उसमें थोड़ा सा अरारोट डाला हूँ और मैक्स कर रहा हूँ और ये अपना पालक जो पहले से मैं उबाल के थोड़ा सा पीस के रखा हूँ और ये अपना गोभी अपना मैक्स हो गया है मैं इसमें अपना ऑइल में फ्राई करूँगा उसमें और मैक्स हो चुका है ऑयल में फ्राई करूँगा दो मिनट के लिए उसको और ये अपना कढ़ी के पास मैं ला चुका हूँ और स्लो फ्लेम में फ्राई करना है उसको ज़्यादा स्पीड में नहीं करना है क्योंकि कच्चा गोभी है तो आराम से पकेगा वो और मैं कढ़े में डाल चुका हूँ उसमें कढ़ाई में अपना फ्राई हो रहा है दो मिनट तक उसको पकाना है जो अच्छे से पक जाए हो और पूरा मसाला उसमें डाला हुआ है जो अपना मस्त चिपक गया है और अपना फ्राई हो रहा है तो फ्रेंड लोग दो मिनट तक कढ़ाई में पकाना है और ये अपना फ्राई हो रहा है और मैं फ्राई चढ़ा लिया हूँ इसमें तड़का लगाऊंगा जो अपने को दिखाया था मैं अदरक लहसुन और अपना प्याज टमाटो जो दिखाया था उसको मैं फ्राई में तड़का लगाऊंगा जब तक अपना गोभी फ्राई हो रहा है और ये अपना पूरा सामान रेडी है आप लोग देख सकते हो और पैन चढ़ा लिया मैं अभी गैस चालू कर रहा हूँ तो अपना गैस चालू हो गया है सबसे पहले मैं डालूँगा उसमें थोड़ा सा तेल डालूँगा उसमें अपना तेल अभी डालूँगा मैं इसमें और डाल ज़्यादा नहीं डालना तेल और एक पर्सेंट के लिए मैं बना रहा हूँ तो अपना सौ ग्राम में तेल डाला हूँ उसमें और अपना तेल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें डालूँगा थोड़ा लहसुन और हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक उसको मैं ब्राउन करूँगा ब्राउन होते तक मैं उसको भूजूँगा उसको और इधर अपना गोभी भी अपना होने वाला है थोड़ा कच्चा है इसलिए टाइम लग रहा है लगभग गोभी अपना हो गया है जो मैं एक प्लेट में खाली कर रहा हूँ और इसको मैं रख रहा हूँ अपना गोभी फ्राई हो चुका है और ये अपना अदरक लहसुन भी ब्राउन होने वाला है तो अपना अदरक लहसुन ब्राउन हो चुका है और मैं प्याज डाल रहा हूँ देख सकते हो फ्रेंड कितना बेहतरीन खुशबू आ रहा है अपना अदरक लहसुन का फ़्लेवर में और प्याज़ डाल चुका हूँ मैं इसमें और प्याज़ ब्राउन हो जाएगा दो मिनट में अपना तो लगभग अपना प्याज़ भी ब्राउन होने वाला है तो फ्रेंड अपना प्याज ब्राउन हो चुका है और मैं इसमें मसाला कुछ डालूँगा और प्याज़ ब्राउन होने के बाद अपना टमाटो डाला गया है टमाटो को मैं दो अपना थोड़ा सा पकाने के लिए थोड़ा सा और सॉफ़्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा को भूनेंगे उसको थोड़ा सा और अपना टमाटर थोड़ा सॉफ्ट तो होने वाला है तो फ्रेंड अपना टमाटो भी सॉफ्ट हो गया है और देख सकते हो तो ब्राउन हो गया है तो मैं इसमें मसाले डालूँगा आप लोग देख सकते हो तो पूरा मसाले है तो इसमें मैं डालूँगा सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार और मिर्च पाउडर थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ा सा डाला और ये छोले मसाला थोड़ा सा ये चन और ये अपना थोड़ा सा शुगर डाला जो पालक थोड़ा सा हल्का हो रहता तो शुगर भी डाला थोड़ा सा मसाला को भून रहा हूँ मैं अभी और अपना ब्राउन हो जाएगा पूरा मसाला तो मैं इसमें डालूँगा पालक को तो लगभग अपना मसाला भी पूरा ब्राउन कलर में हो चुका है और पूरा मसाला भून चुके हैं तो इसमें मैं अभी इसमें मैं डालूँगा अभी फ्रेंड जो अपना पिसा हुआ पालक है आप लोग देख सकते हो पिसा हुआ जो पालक है और अपना बॉयल करके पहले से रखा था मैं डाल दिया उसमें और ये अपना पालक डाला गया उसमें मैं मसाला में मैक्स करूँगा पालक को और मेरे पास है अमूल क्रीम अमूल क्रीम थोड़ा मैं डाल दिया चाहे तो आप लोग मलाई भी डाल सकते हो घर में मलाई रहने से और ये अपना अमूल बटर है जो मैं अमूल बटर भी डाल रहा हूँ थोड़ा सा इसमें दो चम्मच और अमूल बटर घर में नहीं रहने से आप लोग घी भी डाल सकते हो देसी घी डाल सकते हो और मेरे पास जो गोभी है ऑलरेडी फ्राई करके रखा हूँ उसको मैं डाल दिया इसमें। देख सकते हो कितना बेहतरीन कलर और कितना स्वादिष्ट खुशबू आ रहा है जो अपना बटर डाला गया है इसी वजह से और खुशबू आ रहा है फ्रेंड लोग आप लोग घर में भी ट्राई कर सकते हो घर में बहुत सिंपल चीज़ है वो ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है इसमें सिंपल सा चीज़ है और बहुत टेस्टी लगता है आप लोग घर में ट्राई कर सकते हो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि घर में बनाने के बाद खा के टेस्ट कैसा है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना है फ्रेंड लोग अपना और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लगभग अपना होने वाला है क्योंकि गोभी को ऑलरेडी फ्राई किए थे और अपना लगभग अपना होने वाला है देख सकते हो कलर अपना चेंज हो चुका है और थोड़ा थिक ग्रेवी टाइप का मतलब गढ़ा हो चुका है अपना तो फिर अपना ये अपना गोभी पालक अपने रेडी हो चुका है और मैं इसमें एक बॉल में डालूँगा और मैं इसको खुद खाने के लिए बनाया हूँ तो मैं इसको खाली करूँगा अभी अपने रेडी हो चुका है और खाली कर रहा हूँ मैं बेहतरीन कलर भी आया है और अपना जो थिक ग्रेवी टाइप का अपना लटपटा बना हुआ है और खाने में तो बहुत मज़ा आएगा उसके उसको अपना पराठा के साथ भी खा सकते हो प्लेन पराठा के साथ और चपाती के साथ भी अपना खा सकते हो और राइस वगैरह